मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। हाँ जी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज़ अजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। अजोन की है अते ए इकोसिस्टम नू किमें प्रभावित करती है। हाँ जी स्टूडेंट, अजोन इज़ अ मॉलिक्यूल फॉर्मड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन की है ऑक्सीजन तो मिलकर बनया हुआ एक कंपाउंड है जो अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प के नाल फॉर्म होंदा वा, जिस दे विच 3 एटम होंदे ने किस दे ऑक्सीजन दे। दैन 3 ऑक्सीजन दे 3 मॉलिक्यूल्स ले लेने ने असी अल्ट्रावायलेट रेज दे विचों जदों लगावांगे तां 2O3 दे विच कन्वर्ट हो जाएगा। द ऑक्सीजन इज़ असेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ बट ओजोन इज़ अ डेडली पॉइजन। हाँ जी स्टूडेंट, जिहड़ी ऑक्सीजन आ इह सारियां लई बहुत जरूरी आ, मतलब कि जिन्नियां भी एरोबिक फॉर्म्स ने लाइफ दियाँ, बट जिहड़ी ओजोन है इह थोड़ी जी की है पॉइसन इन नेचर होएगी। ओजोन इज़ वेरी पॉइसनस एट ग्राउंड लैवल। एक ही ग्राउंड लैवल दे उपर बहुत ही ज़्यादा जहरीली हुंदी आ। ओजोन परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शन एट हायर लैवल ऑफ एटमोसफीयर। ओजोन अबजॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, दस प्रोटेक्ट्स द लिविंग सिस्टम ऑन द अर्थ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डैमेज। हाँ जी स्टूडेंट, जिन्हें अल्ट्रावायलेट रेज सन तो आउंदियां ने उसनू की करती है, यह अबजॉर्ब करती है ते प्रोटेक्ट करती है जिन्ना भी अर्थ के उपर जिहड़े लिविंग बींगस ने जां उन्हां दी मतलब कि काइंड नू डैमेज होण तों बचाउंदी आ। क्लीयर स्टूडेंट, नैक्सट इज़ द सैकेंड क्वेश्चन। सैकेंड दे विच की है, हाउ कैन यू हैल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। किस तरीके नाल तुसीं जिहड़ा हैगा साढ़े कोल वेस्टेज नू डिस्पोजल करन दी जिहड़ी प्रॉब्लम है उसनू असीं किवें घटाउण दे विच हैल्प कर सकदे हां। असीं दो मैथड दसणे आ इस नू घटाउण दे। नंबर वन इज़ रीसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। एक असीं रीसाइकल कर सकदे हां, रिडक्शन एट सोर्स, असी मतलब कि जिहड़ा हैगा सोर्स नू रिड्यूस करांगे। दैन बैटर मैनेजमेंट करके, बर्मी कंपोस्टिंग करके, दैन यूज ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट सच एज डिस्पोजेबल पेपर कप्स इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक कप्स। मीन्स दूसरा की आ, इको फ्रेंडली असी जिहड़ियां चीज़ां यूज़ करांगे, जिवें कि जिहड़ियां मतलब कि जिन्हां दा डिस्पोजल हो सके वो वाले पेपर कप्स यूज़ करांगे प्लास्टिक कप्स दी थां ते। क्लीयर स्टूडेंट्स, नैक्सट साढ़े कोल टैक्सट बुक एक्सरसाइज आ जाती है। फस्ट ऑफ ऑल असी क्वेश्चन देखांगे साढ़े कोल, विच ऑफ द फॉलोविंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। हाँ जी स्टूडेंट, साढ़े कोल नंबर ऑफ जिहड़े हैगे ने दिते हुए ने ए बी सी डी, दैन इन्हां दे विच जिहड़े हैगे ने असीं देखांगे कि जिहड़ा बी है ग्रास वुड एंड प्लास्टिक, इहदे विच प्लास्टिक आ जांदी है, प्लास्टिक जिहड़ी की नहीं है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। दैन ए दे विच ग्रास फ्लावर लैदर सारे ही बायोडिग्रेडेबल ने। दैन सी दे विच फ्रूट पील्स केक एंड लाइम जूस हो गया, सारे ही बायोडिग्रेडेबल ने। एंड थर्ड वन इज़ द केक वुड एंड ग्रास, इन्हां दे विच भी जिहड़े हैगे ने बायोडिग्रेडेबल सबसटांसिस ने। तां सिर्फ साढ़े कोल जिहड़े आंसर बी दे असीं मतलब कि इस विच नहीं लिखांगे, क्योंकि इस विच प्लास्टिक जिहड़ी हैगी आ नॉन बायोडिग्रेडेबल सबसटांस है। नैक्सट वन इज़ द सैकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोविंग कॉन्स्टिट्यूट आ फूड चेन। हाँ जी स्टूडेंट, इस दे विच साडा आंसर की होएगा, बी ग्रास। ग्रास नू कौन खांदी आ? गोट। एंड दैन जिहड़ा हैगा वा ह्यूमन आ जांदा वा। क्लीयर स्टूडेंट, बट जिहड़ा हैगा वा जिवें ग्रास, वीट एंड मैंगो, इन्हां दा कोई रिलेशन नहीं है। गॉट, काओ एंड एलीफेंट, इन्हां दा भी कोई रिलेशन नहीं है। ग्रास, फिश एंड गोट, इन्हां दा भी कोई रिलेशन नहीं है। बट ये साढ़े कोल बी ऑप्शन की है, एक जिहड़ी फूड चेन फॉर्म हुंदी आ, लाइक जिवें असीं कहिंदे ग्रास ग्रास नूं गोट खांदी आ, दैन बकरी बकरी तो बाद जिहड़ा हैगा सम ह्यूमन बींगस इस नूं खांदे ने। सो ये की बनाएगी, एक फूड चेन फॉर्म करेगी। नैक्सट वन इज़ द विच ऑफ द फॉलोविंग आर इनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसिज। हाँ जी, किहड़ियां किहड़ियां इन्हां दे विचों इनवायरमेंटली फ्रेंडली जिहड़ियां प्रैक्टिसिज ने। आंसर इज विल बी की होएगा, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ऑफ कैरिंग क्लोथ बैग्स टू पुट परचेजेस इन वाइल शॉपिंग। हाँ जी स्टूडेंट, साढ़े कोल जिहड़े हैगे ने मतलब कि कैरी बैग ने जिहड़े मतलब कि असीं लैके जाने आ, वो क्लोथ बैग होने चाहिए ने, मतलब सानू प्लास्टिक दे लिफाफे यूज़ नहीं करने चाहिए। दैन स्विचिंग ऑफ अननेसैसरी लाइट्स एंड फैनस, मतलब जदों सानू मतलब कि लाइट्स की लोड़ नहीं, पखे की लोड़ नहीं है, तो सानू स्विच ऑफ कर देना चाहिए।
वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गैटिंग यूअर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर। हाँ जी स्टूडेंट, तुसी वॉक करके स्कूल जाना चाहिए थोनू अगर पॉसीबल है, अदरवाइज तो आप अपने मदर नू नहीं कहना चाहिए कि अपने स्कूटर ते सानू छड्ड आवे। ठीक है स्टूडेंट, तो इहदा मतलब सारे उपनियां जिहड़ियां ए बी सी तीनों ही की ने, इनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसिस ने। फोर्थ की गल करिए क्वेश्चन की, फोर्थ वन इज़ द वट विल हैपन इफ वी किल ऑल ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉफिक लैवल। कहिंदा जे असी एक ट्रॉफिक लैवल दे सारे ही ऑर्गेनिजम्स नू किल कर देंगे तो कहिंदा की होएगा। हाँ जी स्टूडेंट, इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम इन वन ट्रॉफिक लैवल इमबैलेंस विल बी क्रिएटेड इन द फूड चेन। तो की हो जाएगा, फूड चेन दे विच इन इमबैलेंस आ जाएगा, मतलब प्रॉपर बैलेंस नहीं होएगा। सैकेंड थिंग इज द पापूलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन प्रीवियस ट्रॉफिक लैवल विल इनक्रीजिज। दैन अगर एक जड़ा हैगा वा ट्रॉफिक लैवल दे एनिमल्स जड़े हैगे ने सारे खत्म कर दिते जान, तो दूसरे जड़ा नैक्सट होएगा उदा मतलब कि जड़ा ट्रॉफिक लैवल होएगा उसके ऑर्गेनिजम की गिनती जी हैगी इनक्रीज हो जाएगी। इफ वी किल पापूलेशन ऑफ फ्रॉगस इन, फॉर एग्जाम्पल गल करते हैं, जो असी फ्रॉगस नू फूड चेन दे विचों प्रॉपरली किल कर देंगे तो जिहड़ी इनसैक्ट्स की पापूलेशन आ की हो जाएगी, इनक्रीज हो जाएगी, जिदे करके कहिंदा की हो जाएगा, ग्रीन प्लांट्स का बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। बिकॉज ऑफ ग्रीन प्लांट्स नू कौन खाते हैं इनसैक्ट्स, एंड इनसैक्ट्स नू कौन खाते हैं फ्रॉगस, मीनस जे फ्रॉग खत्म हो गए तो इनसैक्ट्स बच जाएंगे, मीनस ग्रीन प्लांट्स की मतलब कि पूरी तरह जिहड़ा हैगा डैमेज हो जाएगा। थर्ड वन इज़ द पापूलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम इन द नैक्सट ट्रॉफिक लैवल विल डक्रीज। दैन जी पापूलेशन होएगी अगले ट्रॉफिक लैवल की हो जाएगी डक्रीज हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।